सभी लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं, सभी के सभी जा रहे हैं अंदर। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys, आज है मेरा न्यू म्यूजिक वीडियो का शूट और फिलहाल हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी हमें किसी बंगलो में एक मतलब फार्म हाउस टाइप का पूरा जैसे मूवीज में देखते हैं ना, मूवीज में या फिर पंजाबी गानों में। तो अभी हम चंडीगढ़ में हैं, तो अभी दिखाऊंगा आपको पूरा टूर दूंगा। ये व्लॉग तो बाद में आएगा वैसे, जब गाना आएगा गाने के बाद में। तो हाँ, ये रूम मुझे मिला है, यहाँ मैंने अपने कपड़े वपड़े रख दिए और अभी दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कंप्लीट बिहाइंड द सीन। अभी प्रिया भी रेडी हो रही है, अभी मेरा मेकअप होगा, ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है, हम सुबह सुबह आ गए थे सीधा लोकेशन पे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं किस तरह शूट होता है, मैं प्रिया से मिलाता हूँ आपको, बाकी साहिल और सबसे मिलाता हूँ। तो म्यूजिक वीडियो के लिए ना मैंने खुद के अपने कपड़े रखे हैं, ये शर्ट रखी है, दो ये जीन्स है बस, और ये तीन टी शर्ट रखी है, बस ये रखे मैंने। मेरे को ना खुद के कपड़े डालना ही पसंद है म्यूजिक वीडियो के शूट में, और मतलब नेचुरल भी लगता है, लगता है कि हाँ जैसे ब्लॉग की तरह लगता है एकदम नेचुरल, आप लोगों को भी लगेगा। तो हाँ, इसलिए मैं अपने कपड़े ले आया और तीन जोड़ी मैं जूते लाया हूँ बस। तो अभी फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ मेकअप आर्टिस्ट का, वो आएंगे मेकअप करेंगे फिर जाएंगे फर्स्ट शॉट के लिए। फर्स्ट शॉट में मैं यही कपड़े डालने वाला हूँ, येलो शर्ट है और ब्लैक जीन्स है और ये बस शूज है। ये रूम देखो कितना एंटीक सा है, मतलब यहाँ पे ये चीज क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आ रही। मच्छरदानी के लिए, अच्छा तो ये मच्छरदानी के लिए है। और यहाँ पे एक छोटा बेड भी है जहाँ पीयूष सो सकता था। यहाँ पे वॉशरूम है, तो वॉशरूम कुछ इस टाइप का है, और बाथटब भी है, और ये कबर्ड्स हैं, और ये फैन देखो कैसा है। तो जहाँ पे हम आए ना शूट के लिए, इतनी प्यारी सी लोकेशन है, देखो अभी बालकनी में खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरा रूम है और देखो यहाँ पे शूट होगा कंप्लीट गाना। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे फार्म हाउस का टूर दे देता हूँ कैसा है, काफी अलग अलग चीजें यहाँ पे। तो मेरे रूम से बाहर निकलने के बाद ये है एरिया कुछ इस टाइप का, ये देखो लेपर्ड, ये रियल नहीं है, ये सब चीजें देखो कैसी हैं, ये देखो ये देखो। यूजली मैंने मूवीज में और पंजाबी सॉन्ग्स में देखी है ऐसी जगह। ये देखो यहाँ पे बुक शेल्फ्स हैं, ये भी मूवीज में देखी मैंने इस टाइप की, यहाँ पेंटिंग्स वगैरह भी हैं, तो ये पूरा एंटीक टाइप का देखो। तो यहीं पे शूट होगा आज हमारा गाना, पूरा गाना एक ही जगह पे। और दिखाता हूँ, बहुत बड़ा एरिया है ये देखो, ये जो एरिया ना ये स्पेशली शूट के लिए बना रखा है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। तो बाकी सब यहाँ बैठे हैं, साहिल, बब्बू दी, सिष्टी, नवीन, नवीन भी आया। तो गाइस ये जगह है पूरी, यहाँ पे देखो गार्डन वार्डन है, मस्त मस्त पेड़ पेड़ है, और यहाँ पे भी लाइटिंग का सेटअप हो रहा है देखो पूरा। यहाँ प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए हैं, देखो तितलियाँ उड़ रही है, मस्त। बहुत बड़ा फार्म हाउस है यार, पीछे भी काफी एरिया देखो इसमें। और जो रूम्स दिखा रहा था वो सारे इसके अंदर है, सारे रूम्स। यहाँ पे ना स्विमिंग पूल भी है, तो ढूंढते हैं स्विमिंग पूल का है, शायद उस साइड होगा। तो ये रहा स्विमिंग पूल जिसके अंदर अभी पानी भरा जा रहा है। आई थिंक इस म्यूजिक वीडियो में एक स्विमिंग पूल का भी शॉट है कुछ, शायद कह रहे थे वो, देखते हैं, वो तो आपको बिहाइंड द सीन चलेगा पता या फिर गाने में चलेगा पता। अरे मुझे भी क्लियर नहीं है कि वीडियो में है क्या क्या, वो तो डायरेक्टर बताएंगे क्या क्या है। तो अभी हमारे डायरेक्टर भी आ गए हैं, तो आप रेडी हैं? हाँ रेडी हैं। जय गणेश जी की। कुछ भी काम शुरू करने से पहले हम गणेश जी को प्रणाम करते हैं, हमारा शूट अच्छे से हो जाए। ये दरवाजे भी काफी पुराने टाइप के हैं देखो, इनमें वर्क देखो कितना डिटेल वर्क कर रखा है। तो गाइस ये है यहाँ का किचन, किचन भी कितना एंटीक है। तो भैया आए हैं मेकअप करने के लिए। तो गाइस मेकअप तो हो चुका है, अब हेयर की बारी है, तो हेयर में वो करने 13 हो रहा हूँ, जैसे यहाँ से हल्के खड़े कर लूंगा बस ऐसे। तो भी गाइस हेयर भी हो चुके हैं, सिंपली कुछ ऐसे कर दिए यहाँ से जैसे 13 हो रहा हूँ थे ना। चलो अब चलते हैं, मेकअप हो गया, मेकअप लास्ट टाइम से तो कम मेकअप है भाई इससे, हाँ नेचुरल लग रहा है। हाँ। बालों की बारी है। तो अभी यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है लाइटिंग वाइटिंग के लिए, तो पहला शॉट होगा यहाँ पे। तो फाइनली पीरू भी रेडी हो चुकी है, तो कैसा लग रहा है, एक्साइटमेंट? हाँ। पहले वाले में थोड़ा बहुत नर्वसनेस थी, लेकिन अब नहीं होगी ना। हाँ। So, अभी आप लोग वहाँ से वॉक करते हुए आओगे, ठीक है? सब आप आपस में बातें बातें करते हुए करते आज इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। बर्थडे? हाँ बर्थडे मना रहे हैं उसका। सो वो सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हो। सो पहले जो शॉट है आपको सिर्फ बातें करते हुए और वॉक करके आना है। तो इस गाने में हमारे साथ में ये कुछ लोग भी हैं। तो भी गाइस शूट के लिए रेडी हैं, यहाँ पर ये लगा दिया और सभी के सभी इनके तो मस्त पार्टी चल रही है यहाँ पे। क्या हुआ भाई, मार क्यों रहे हो मेरे भाई को? नहीं मार देगा, पहले बता रहा हूँ। क्या बोले जा रहे भाई, बोल मार खाएगी पीरू। मार खाएगी, हाँ मेरे भाई को हाथ में लगा देगी। भैया मेरे को तो पूछ ही नहीं रहे यार, ये देखो भाई भैया के साथ साथ चल रहे भाई। ये नाम बता दा अपना, स्माइल अच्छी आपकी, शेरा। ओ भाई हमारी कहाँ ऐसी किस्मत, हम तो हाथ से ही कर लेंगे। पीरू को पूरा वीआईपी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है यहाँ पे। पता नहीं क्यों
तो अभी नेक्स्ट फोटो का हमारा यहाँ पे, यहाँ पे लगा दिया बड़ा सा पर्दा और यहाँ पे सब आ चुके हैं। ये तो पीरू के साथ में दिखेंगे आपको हमेशा, ये इनकी सुंदरता को बचाते हुए। और हमारे पास देखिए ये है, और हमारा गाना शूट हो रहा है इससे, सोनी एफएक्स। डन, चलो ओके ओके। भाई कितने टेक लेने पड़ रहे हैं, फाइनली अब हम अंदर जा रहे हैं। चलो भाई फाइनली अब अंदर एंटर करेंगे हम। भाई सभी ऐसे घेर के खड़े हैं ना हमको, हम तो नया बैठे हैं। और ये देखो सभी ऐसे घेर के खड़े हैं यहाँ पे। चलो भाई चल, ऑकवर्ड थोड़ा ऑकवर्ड हो। आप भी देख रहे हैं, रुको रुको मैं रह गया, चलो आ जाओ। तो अभी गाइस 1:17 हो गए हैं और अभी हम आए हैं आउटफिट चेंज करने के लिए। तो पहला आउटफिट में शूट कर लिया है, अब दूसरे में मैंने ये डाल लिया। ये ब्लू शर्ट है, ये जीन्स है और ये शूज है। ये तो अपना यहाँ बैठ के मस्त चिल कर रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टेक होगा यहाँ पे, फाइनली पीरू का भी सेकंड आउटफिट। गाइस धूप इतनी ज्यादा हो रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे जाना है पीरू के पास में और वहाँ जाके बैठना है और फिर हरकतें करनी है हमको। और देखो यहाँ से पूरी टीम शूट करने में लगी है। भाई बहुत गर्मी हो रही है, थक गया मैं। तो भी नेक्स्ट फोटो का हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है। तो अभी गाइस आधा शूट कंप्लीट हो चुका है और अभी लंच टाइम है, तो लंच करते हैं। लंच आ चुका है हमारा, दाल रोटी चावल और ये पनीर है और रायता है। खाने के बाद फिर हमको चेंज करना है। तो भी गाइस खाना पीना भी हो चुका है और अभी हमने नेक्स्ट आउटफिट भी डाल लिया। मैंने टी शर्ट और ये जीन्स और ये शूज डाले एंड पीरू भी रेडी हो गई है, पीरू ने ये डाले। मतलब सिंपल सोबर हमारा गाना होता है और सिंपल सोबर हम कपड़े डालते हैं, और पीरू तो वैसे सिंपल सोबर ही है, साइज ही हमारा वही है। और ये देखो सुबह से इतनी पानी की बॉटल पी ली है ना, इतनी पी ली है सारी खाली हो गई है, बस 3 बची हुई है। भाई इतनी गर्मी हो रही है ना कि पानी पी जा रहे हैं। तो नेक्स्ट शॉट है हमारा स्विमिंग पूल के पास में, और पीरू कह रही है मैंने पहली बार स्विमिंग पूल देखा है, पानी वाला। हाँ पानी वाला, नॉर्मल तो सब जगह ही देखा है, तालाब वालाब बहुत गहरा है, बहुत गहरा है भाई, इसमें मैं भी डूब जाऊंगा इतना गहरा है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच हमारी इतनी केयर करने के लिए। भाई इनकी टीम कितनी बड़ी है यार, इतने सारे लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं हमारे गाने पे। तो अभी हम खेल रहे हैं यहाँ पे वॉलीबॉल बास्केटबॉल एंड फुटबॉल मिक्स, सब कुछ मिक्स खेल रहे हैं हम। गाइस क्या शूट हो रहा है, क्या स्टोरी है वो हमको खुद को ही नहीं पता, बस ये कह रहे हैं तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, समझ में। हम बस करते जा रहे हैं, हमको पता नहीं क्या शूट हो रहा है, किस तरह की वीडियो बन रही है। तो अभी गाइस हमने नेक्स्ट आउटफिट भी चेंज कर लिया है, तो ये टी शर्ट है। अब हमारा शूट होगा यहाँ पे खेतों में, और अभी थोड़ी देर में सनसेट भी होने वाला है। ऑलमोस्ट 60% शूट हो गया, 40% बाकी है, और टाइम क्या हो गया 6 बज गए, तो भाई रात के 10 बज जाएंगे, बिकॉज अभी रात को भी शूट करना है एक सीन। नेक्स्ट आउटफिट ध्यान से देख के क्या करना है, शाहरुख खान। ओ भाई इधर भी लाइट लगा दी इन्होंने तो चलो गाइस चलते हैं अब खेत में। तो भी खेतों वाला शॉट भी हो गया, अब जा रहे हैं नेक्स्ट शॉट के लिए। लेकिन जो नींद आ रही है ना, जो थक गए हैं भाई, सोए भी नहीं कल हम। तो फाइनली गाइस लास्ट शॉट रह गया, अब हमको चेंज करना है लास्ट आउटफिट, और फिर उसके बाद अभी अंधेरा भी होने वाला है, तो अंधेरे में ही शूट करेंगे। कुछ बर्थडे वाला सीन है, पीरू का बर्थडे है, तो हाँ चलो। तो भी गाइस लास्ट आउटफिट भी डाल लिया है, तो गाइस यहाँ पे होगा लास्ट शॉट हैप्पी बर्थडे वाला। तो यहाँ पे देखो बैलून्स आ गए, मस्त सजा दिया पूरा लाइटों से। तो भी गाइस लास्ट शॉट के लिए तैयारी चल रही है, और आज पीरू का बर्थडे है। तो भी गाइस पीरू का केक भी आ चुका है और सभी आ चुके हैं सेलिब्रेशन के लिए। पैकअप। तो फाइनली गाइस शूट कंप्लीट हो चुका है, और अभी रात के 9:30 बज चुके हैं, बहुत लेट हो गए। सुबह 6:30 निकले थे और अभी देखो 9:30 बज गए, तो हम 11 बजे तक कंटिन्यूअसली शूट करे जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली सुबह 7 बजे से हम शूट कर रहे हैं, और अभी देखो 11 बजे हम होटल पहुंचेंगे, और बहुत 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 थक गए। तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया, लेकिन बहुत सारी चीजें करी थी इस बार। हाँ। तो हमने स्पेशली बर्थडे वाला सीन। हाँ। तो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो पीरू यहाँ बैठी है, मैं यहाँ बैठा हूँ,
दोनों ने पैर में कह रहा हूँ पानी पैर में मिस्ड यू सो आई एम लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग बट यू दीस आर द गुड टाइम्स विद यू बेबी दिस ईयर इट्स जस्ट गोना बी यू